दोस्तों स्वागत है आपका एक नया फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से लिए गए एग्जाम्स जो 17 से 25 तक अगस्त के बीच लिए गए, और उनमें से पर्टिकुलरली हम बात करने जा रहे हैं FMPHW और MMPHW की वैकेंसीज क्या है, और उन वैकेंसीज के हिसाब से क्या कट ऑफ जाने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसी पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरे एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप एंड पे ये जान लेंगे, आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि डेफिनेटली आप के कोई सिलेक्शन के चांसेस हैं या नहीं, आप सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो का आधा पार्ट भी स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ख़तरनाक होती है, और फुल इन्फॉर्मेशन आप लेके जाए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ तक बात है FMPHW MMPHW की वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज जो है वो डिविजनल वाइज अलग अलग हैं। जम्मू डिवीज़न में अलग वैकेंसीज हैं और कश्मीर डिवीज़न में अलग वैकेंसीज हैं। तो उन्हीं वैकेंसीज के हिसाब से आपके जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न का कट ऑफ जो है वो अलग जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर में कोई ये कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स के मन में ये होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर का कंपटीशन है। नो डाउट कंपटीशन है, बट जो आपका कट ऑफ होगा GMC जम्मू के लिए अलग होगा और GMC श्रीनगर के लिए अलग होगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए डिविजनल कट ऑफ जो है वो दोनों का अलग जाएगा, डेफिनेटली अलग जाएगा। कश्मीर डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनका एक कंपाइल्ड जो है वो कट ऑफ जाएगा। उन कट ऑफ के अंदर जितने भी बच्चे फॉल कर रहे होंगे, वही बच्चे जो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसी तरह से लाइक वाइज आपके जम्मू डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट फॉल कर रहे हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी कैंडिडेट होंगे जो कट ऑफ के अंदर फॉल कर रहे होंगे, तो वो डेफिनेटली वही बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो चलते हैं वीडियो में, अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम बात करते हैं सीधा टू द पॉइंट। जहाँ तक बात है जम्मू डिवीज़न की, GMC जम्मू की, तो GMC जम्मू में टोटल हमारा पोस्ट जो है वो 8 है, टोटल 8 पोस्ट है MMPHW FMPHW की, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 8 है। अगर हम बात करें GMC श्रीनगर की यानी डिविजनल कश्मीर की, तो डिविजन कश्मीर में आपकी जो ANM दाई है, ये पोस्ट ANM दाई, तो ANM दाई में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 19 है। जी हाँ दोस्तों, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपके GMC श्रीनगर में है। उसके अलावा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ साइंसेज जम्मू, तो इसमें MMPHW की पोस्ट जो है वो 14 है। उसी के साथ साथ में आपके जो MMPHW पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो वैकेंसीज है वो 7 है, जनरल में 3 है, SC में 2 है, RBA में 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 7 है डिस्ट्रिक्ट रियासी में। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट रियासी वाहिद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो MMPHW की वैकेंसीज हैं वो 7 है। जी हाँ दोस्तों, और कोई भी आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं दिख रहा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे MMPHW या FMPHW की जो है वैकेंसीज हैं, तो खाली एक ही रियासी वाला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 7। उसके बाद अगर हम बात करें GMC श्रीनगर में जो है वो बेसिक हेल्थ वर्कर का जो पोस्ट है दोस्तों, MMPHW FMPHW जिन्होंने किया है उन्हीं में से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो 1 है, 1 and only 1। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज। अगर कैटेगरी वाइज बात की जाए तो GMC जम्मू में जनरल में 5 कैटेगरीज है MMPHW FMPHW के लिए, और SC में 1 है, ST में 1 है, RBA में भी 1 है, तो टोटल मैंने आपको बता ही दिया 1। और फिर अगर हम बात करें श्रीनगर की, तो श्रीनगर कैटेगरी में 8 पोस्ट है, SC में 2 है, ST में भी 2 है, उसके बाद OSC में 1 है, ALC में 1 है, RBA में 2 और PSP में 1, तो टोटल हमारा पोस्ट बनती है आपकी 9। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे वीडियोस, उन वीडियोस में हमने एक प्रिडिक्टिव कट ऑफ निकाला है। जी हाँ दोस्तों, हमने बहुत सारे कट ऑफ के बारे में बात की है, और बहुत सारे ऐसे JKSSME के द्वारा लिए गए एग्जाम्स के हमने कट ऑफ प्रिडिक्ट किए हैं, और मोर देन 90% वो प्रिडिक्टेड कट ऑफ जो है वो सही निकले हैं। एक या दो नंबर्स का फासला रहा है, फ़र्क रहा है, बट नियर अबाउट परफेक्ट निकले हैं, वो ठीक निकले हैं, सेम निकले हैं हमारा जो प्रिडिक्टेड कट ऑफ है। तो मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि जो हमारा प्रिडिक्टेड कट ऑफ है वो परफेक्ट तो नहीं होता, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होता, बट कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है, कुछ नंबर्स का डिफरेंस होता है।
तो वही प्रिडिक्टेड कट ऑफ पे हमने इससे पहले भी वीडियोस बनाई हैं दोस्तों, वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, या आपको आई बटन पे आप देख सकते हैं, आई बटन पे भी क्लिक करने के बाद आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब जो पर्टिकुलरली हम बात करें इसकी कट ऑफ की, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो कट ऑफ होता है दोस्तों वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है, नंबर ऑफ पोस्ट, उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट होता है लेवल ऑफ पेपर। तो एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो ये होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर के बेसिस पे आपका कट ऑफ जो है वो कैलकुलेट होता है, जेकेएसएसबी आपका कट ऑफ जो है वो निकालती है। देखिए मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है और मैं आपको बताता चलूँ, जितनी ज़्यादा पोस्ट होंगी उतना कम कट ऑफ जाएगा, और जितनी कम पोस्ट हैं उतना हाई कट ऑफ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जितनी कम पोस्ट होंगी उतना हाई मेरिट जो है वो जाने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे तो आपको साफ दिख रहा होगा कि आप जानते ही हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू डिवीज़न हो या कश्मीर डिवीज़न हो, हमारे दोनों डिवीज़न्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जॉबलेस हैं, तो जॉब्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे जम्मू कश्मीर में, तो अल्टीमेटली कंपटीशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, सॉरी जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पोस्ट की अगर हम बात करें तो पोस्ट बहुत कम है। तो उस हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसका कट ऑफ जो है वो कट ऑफ हाई जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, कितने कैंडिडेट्स ने वो एग्ज़ाम दिया, कितने कैंडिडेट्स उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए, इस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद लेवल ऑफ पेपर, अगर पेपर ऑफ, अगर जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ है, वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो वहाँ से भी जो है वो चांसेस होते हैं आपके कट ऑफ के नीचे जाने की, आपके कट ऑफ की लो जाने की। तो उसके बाद एक और चीज़ होती है, चौथी चीज़ जो मैंने पिछली वीडियोस में शायद डिस्कस नहीं की, वो ये होती है आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये नॉर्मलाइजेशन जेकेएसएसबी पिछले एग्ज़ाम्स जितने भी कंडक्ट किए हैं जेकेएसएसबी ने उनमें करती आई है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो एट ए टाइम, एट द सेम टाइम सारे कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम दें, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो शिफ्ट्स में एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। मान लीजिए एक एग्ज़ाम जो है वो पर्टिकुलरली हम अगर बात करें इसी MMPSW की, तो मान लीजिए इसको दो शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था, एक ही दिन में, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। तो अब होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी। मान लीजिए जो फर्स्ट शिफ्ट थी मॉर्निंग शिफ्ट वो बहुत ज़्यादा ईजी थी, और जो इवनिंग शिफ्ट थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी। अब क्या होगा, अब इवनिंग वाली शिफ्ट और मॉर्निंग वाली शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कैसी होगी कि दोनों का जो है वो बैलेंस हो जाए और सिलेक्शन जो है वो फिल्टर आउट की जाए, अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को जो है वो सिलेक्ट किया जाए। अब इस केस में यहाँ पे जेकेएसएसबी क्या करती है, नॉर्मलाइजेशन करती है, और नॉर्मलाइजेशन कैसे करती है मैं आपको एक सीधी सिंपल एग्जांपल से समझा देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के फर्स्ट शिफ्ट में 85 मार्क्स आ रहे हैं जो टॉपर है, और जो सेकंड शिफ्ट का जो टॉपर है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का टॉपर है उसके 65 आ रहे हैं, ठीक है। तो एक के 85 आ रहे हैं और एक के 65 आ रहे हैं, तो आप जेकेएसएसबी क्या करेगी, नॉर्मलाइजेशन करेगी। नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से करेगी, एक फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, वो नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से करेगी कि जो फर्स्ट शिफ्ट वाला है और जो सेकंड शिफ्ट वाला है, फर्स्ट शिफ्ट वाले के कुछ परसेंटाइज स्कोर निकाला जाएगा, इसका स्कोर जो है वो इसके बराबर कर दिया जाएगा, 65 वाले के बराबर कर दिया जाएगा, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, इसी के हिसाब से जितने भी कैंडिडेट्स का मार्क्स होंगे उनकी जो है वो मार्क्स डिडक्ट होंगे, वो कम आ जाएंगे, उनका परसेंटाइज स्कोर जो है वो कम कर दिया जाएगा। तो ये होती है नॉर्मलाइजेशन दोस्तों, ये इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होती है, और इस तरह से कैंडिडेट्स की नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो है वो कट ऑफ निकाला जाता है। तो जहाँ पर अब हम स्ट्रेट डायरेक्ट जंप करते हैं कट ऑफ पे दोस्तों, तो
देखिए जो जीएमसी जम्मू है इसमें टोटल हमारा पोस्ट जो है वो 8 है और वैकेंसीज बहुत कम है और कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं बहुत ज़्यादा हुए हैं और लेवल ऑफ पेपर भी जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल था। तो सारी कंक्लूजन्स पे पहुँच जाने के बाद हम बता देना चाहते हैं कि इसका जीएमसी जम्मू का ओपन कैटेगरी का 80-85 कट ऑफ जाएगा, 80-85 कट ऑफ जाएगा जनरल का। तो एससी का भी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग 70 के आसपास जाएगा, एसटी का भी जो है वो 65-70 जाएगा, आरबीए का भी जो है वो 80 या 82 के आसपास जाएगा। तो इससे कम एक या दो नंबर का फासला होगा, फर्क होगा। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा आपके जम्मू डिवीजन का। उसके बाद अगर हम बात करें कश्मीर डिवीजन की एनएम दाए, तो इसमें टोटल हमारा पोस्ट जो है वो 19 है। तो इसमें जो कट ऑफ जाने वाला है वो अराउंड 75-80 जाने वाला है टोटल जो ओपन कैटेगरी का है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 77 गया, तो 77 अगर एएनएम दाए का कट ऑफ गया जीएमसी श्रीनगर का, तो एससी का जो है वो 65 के आसपास जाएगा, इसका भी जो है एसटी का 62 के आसपास जाएगा, ओएससी का जो है वो 70 के आसपास जाएगा, एएलसी का भी जो है वो 72 के आसपास जाएगा, और जो आरबी है ये भी 75 के आसपास जाएगा, और जो पीएसपी है आपका वो भी 74 के आसपास जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपके जीएमसी श्रीनगर का जा सकता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम जीएमसी श्रीनगर बेसिक हेल्थ वर्कर की बात करें, तो बेसिक हेल्थ वर्कर की एक ही पोस्ट है, तो इसमें जो मैक्सिमम स्कोर जिसने किया होगा वो ही जाएगा। तो इसका अराउंड इसका भी 77-80 जाएगा, इसका भी 77-80 के बीच में जाने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों डायरेक्ट आपके जम्मू डिवीजन की जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज MMPHW की, इसमें टोटल हमारा पोस्ट जो है वो 14 है। तो इसका भी कट ऑफ जो है वो दोस्तों अराउंड 80 ही जाएगा, ठीक है। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हैं कैटेगरी वाइज का कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो MMPHW रियासी का कट ऑफ है, इसमें टोटल हमारा पोस्ट 7 है, तो इसका कट ऑफ भी जो है वो 85 के अराउंड जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं, फिर जनरल का 85 जाएगा, तो एससी का जो है वो 70 के आसपास जा सकता है, तो आरबीए का जो है वो 80 के आसपास जा सकता है। तो दोस्तों यही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाने वाला है, जो जा सकता है इस कैटेगरी में और पोस्ट में। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था दोस्तों जो हम आप तक लाना चाहते हैं दोस्तों। तो यही इन्हीं के अराउंड आपका कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों। पूरा परफेक्टली तो ये कट ऑफ नहीं जा सकता है, बट जैसा कि हमने आपसे ऑलरेडी कहा कि हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाते हैं, हमने इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिनमें हमारा कट ऑफ जो है मोर देन 90% सही निकला है और वेल प्रिडिक्टेड निकला है, माइनर सा एक या दो नंबर का फर्क रहा है। तो दोस्तों डजंट मैटर्स रियली, तो इसका कट ऑफ जो है वो यही जाने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है आपके मार्क्स को लेके, आपके आपके पॉइंट्स को लेके, आपकी कैटेगरी को लेके कि मेरी कैटेगरी में इतने मार्क्स हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे जाके हमें फॉलो करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और जितना पॉसिबल हो सकता है आपसे वीडियो को शेयर करें दोस्तों, हमें सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि वीडियो को शूट करने में, वीडियो को बनाने में, एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। तो आप हमें हमारी इस मेहनत को सपोर्ट करें, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा।